बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता के भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी वार के पहले क्या क्वेश्चन करता है ऑलमोस्ट आपका दौरा कर रहे हैं, आज दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी है लगता है ना? हाँ, 3 दिन का दौरा है अरुणाचल प्रदेश, बहुत देखने का स्वर्ग के जैसे, जन्नत के जैसे है। लोग दिल भी बहुत पसंद है, दिल भी अच्छा है। इधर देखने के मौका मिला पार्टी जनरल सेक्रेटरी के नाते, संगठन मजबूत हो रहा है, धीरे 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 नीचे तक संगठन मजबूत होता हो जाएगा। सर, आप लोग तो लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, मगर जो प्राइस राइज, जो पेट्रोल डीजल का जो बढ़ रहा है सर, इस पर क्या कहना है आपका? ठीक है, दुनिया भर प्राइस राइज है, केवल भारत में नहीं है। आप सोचिए, कोविड आने के पहले प्राइस राइज है क्या? कोविड आने के बाद, एक साल के बाद दुनिया भर प्राइस राइज हो रहा है। अमेरिका में 47% पेट्रोल का दाम बढ़ गया है अमेरिका में। कारण ऐसी है, 85% इंपोर्ट करता है पेट्रोल डीजल, आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर होने के बाद कंट्रोल में आता है, बाहर से लेना चीज हमारा हाथ में नहीं है। मतलब सर, आपका बोलना है कि प्राइस राइज जो है सरकार के हाथ में नहीं रहता है ना सर? हाँ, ये कुछ चीज दुनिया भर प्राइस राइज हो रहा है कोविड के वजह से। तो सर, इतना हो हल्ला क्यों होता है? जब कांग्रेस का सरकार था बीजेपी काफी चिल्लाया, अब बीजेपी का सरकार है कांग्रेस चिल्ला रहा है, तो हल्ला क्यों करना है जब प्राइस राइज सरकार के हाथ में नहीं है? तो इतना क्रिटिकल मोमेंट में भी 84 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के नाते मदद करने का काम कांग्रेस किया है क्या? मोदी जी ने किया है। नहीं, हम लोग प्राइस राइज का बात कर रहे थे सर। 100 करोड़ लोगों को उचित वैक्सीनेशन करने का काम कांग्रेस किया है क्या? मोदी जी ने किया है।